बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हाफिज़ हकीम हिज़्बुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अज़ीज़िया दवाखाना। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको प्याज खाने का सही तरीका और उस तरीके से प्याज खाने से क्या क्या फ़ायदे होंगे वो सब मैं आप दोस्तों को इंशाल्लाह मुख्तसर सी वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहला फ़ायदा जो है प्याज खाने का वो ये है कि आपको मर्दाना ताकत के लिए दूसरी कोई दवा खाने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से एक ही गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सके। तो प्याज का जो मिजाज है वो है गरम खुश्क। और कौन सी प्याज ज़्यादा बेहतर होती है? सुर्ख रंग की प्याज सफ़ेद प्याज से बेहतर होती है। और प्याज भूख बढ़ाती है, मनी ज़्यादा पैदा करती है। मनी जब ज़्यादा पैदा होगी तो इंशाल्लाह आपको मर्दाना कमज़ोरी नहीं होगी। और अगर सिरके में इसका लेप बनाकर चेहरे पर लगाएं तो चेहरे की झाई के निशान, छाई जो होती हैं उसके निशान ख़त्म हो जाएंगे। और प्याज खाने से आबो हवा की तब्दीली और वबाई अमराज से हिफाजत रहती है। तो और प्याज के पानी को शहद में हल करके आँख में लगाने से आँख की बिनाई तेज़ होती है। तो ये प्याज खाने का जो सही वक्त है वो ये है कि आप प्याज को दोपहर में खाना खाने के साथ प्याज की सलाद बना लें और सैलड उसकी वो इस्तेमाल करें बिना धोई प्याज। जैसे नमक के पानी में या उसमें धो लेते हैं उसकी तासीर बदल जाती है। तो आपने धोनी नहीं है, वो तेज़ वाली प्याज ही इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके तमाम जो मैंने बताए हैं ये आपको फ़ायदे ज़रूर होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सके। तब मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।